नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब दुश्मन छाती पीट पीट कर रोएंगे, क्यों? दोस्तों आप सभी को बता दें कि स्वयं महाकाली ने उठा लिया है तलवार। अब आपके जुनकाल के सारे दुश्मनों का विनाश निश्चित है। जी दोस्तों, आने वाले 10 दिनों का समय आप सभी के ये 6 कार्य संपन्न होकर रहेंगे। इनमें कोई भी अड़चनें नहीं आने वाली है। और दोस्तों जब आप इन 6 कार्य के बारे में सुनेंगे तो दोस्तों खुशी से आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, घर परिवार के होश उड़ जाएंगे। जी दोस्तों, कुछ ऐसे ही बड़ी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे ही बड़ी बातें होंगी जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल की सबसे अहम बातें हैं, जो दोस्तों यश में सच होने वाले हैं, संपन्न होने वाले हैं और बहुत ही अच्छा माहौल आप सभी के जीवन काल में आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो आज का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण की बहुत ही बड़ी सावधान भी यश में आपको रखने होंगे, क्योंकि दोस्तों महाकाली के भी अंश होते हैं आपकी राशि के लोग। तभी तो दोस्तों जीवन काल में अगर दुश्मनों से भिड़ जाए तो उन्हें हराकर ही छोड़ते हैं। अगर कोई कार्यों में लग जाए तो दोस्तों वह कार्य को संपन्न करके छोड़ते हैं। जिद्दीपन आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कूट कूट के भरा है, माँ काली का अंश है। तो दोस्तों आने वाले 10 दिनों में आपको कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होंगे, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कौन से 6 बातें इसमें सच होंगी, साथ ही आपके घर के माहौल में, पारिवारिक में, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, करियर में कौन कौन से बड़े मौके आपको मिलेंगे, कौन कौन सी नई उपलब्धि इसमें आपको माँ काली देने वाले हैं, साथ ही जो ग्रहों की बदलती चाल होगी, आपके जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव करेंगे, सभी की जानकारियां बहुत ही गहरी तरीके से ग्रहों के गोचर पर निर्मित है। तो दोस्तों वीडियो को मिस करने की गलती ना करें और शुरू से लेकर इन्हें अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो के अंत में एक बहुत ही अच्छे उपाय है जिन्हें यश में करने मात्र से आप सभी के जीवन काल में बहुत ही अच्छा परिवर्तन होगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी माँ काली के सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ काली जरूर लिखिएगा। माँ काली का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवन काल में माँ काली आपके सारे संकटों को हर लेंगी। जी हाँ दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से, जो कि दोस्तों आप सभी को कान लगा कर सुनना चाहिए। दोस्तों ये बातें आप सभी के जीवन काल में बहुत ही ज्यादा लाभकारी साबित होंगी। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कौवा एकमात्र ऐसी पक्षी है जो बाज पर भी चोंच मारने की हिम्मत करता है। वह बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, पर बाज जवाब नहीं देता और न ही कौवे से लड़ता है और न ही कौवे पर समय बर्बाद करता है। बस अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊंचा उड़ना शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है उतना ही मुश्किल होता है सांस लेना, और ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा गिर जाता है। कौवे के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो, बस खुद ऊंचाइयों पर चले जाओ, अपने काम में लगे रहो, वे ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों जो भी आपके जुनकाल में ऐसे दुश्मन हैं जो कि आपको नीचे खींचने का प्रयास करते हैं, दोस्तों उन सभी को इग्नोर करके अपने जुनकाल में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। दोस्तों एक ना एक दिन जो आपको खींचतानी करते हैं वो आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह बात या ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आइए दोस्तों सके शुरुआत बात करते हैं कि माँ काली के आशीर्वाद से आने वाले 10 दिनों का समय आप सभी के जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, कौन कौन सी विशेष सावधानी यश में आपको रखनी होंगी, कौन कौन सी बड़ी उपलब्धि मिलेंगी और कौन कौन सी 6 बातें हैं जो यश में संपन्न होकर ही रहेंगी। जो दोस्तों साथ ही कौन से उपाय करने सभी के बारे में बात करेंगे, तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों शुक्र का गोचर होने से यश में आप खुद को हर मौके पर सक्रिय अवस्था में पाएंगे, जिसके चलते आपकी काम करने की जो है समझ में निखार आएगा और आप हर कार्यों को समय से पहले पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी नेगेटिव के लेकर बात करें तो समय व फिर परिस्थिति को देखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। अपने घर परिवार के सदस्यों पर पूर्ण विश्वास करते हुए आपको यश में कार्यों को पूरा करना चाहिए। माता पिता से संबंध मधुर बनाए रखने की प्रयास करें तथा माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता करें। किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न होने पर आप उनका ख्याल रखें। दोस्तों इन दिनों में ये जो समय है आपके लिए इच्छा शक्ति और आत्मबल से परिस्थिति पर विजय पाने का समय होगा। दोस्तों जो स्थितियां आपके लिए अभी विपरीत लग रही है उनमें आप अपने लिए सकारात्मक जो है पल ढूंढ पाएंगे, लेकिन कुछ समस्याएं हैं जिनको हैंडल करने में सक्षम नहीं रह पाएंगे।
दोस्तों अपनी कोशिशों को थोड़ा और तेज करें और रचनात्मकता दिखाने का यह अवसर होगा। वही दोस्तों इन दिनों में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो ये जो समय है आपके प्रयासों की सराहना होगी। आप यह समय अधिक प्रयास करें और बॉस आपके कार्यों की सराहना करेंगे, बॉस आपके काम को देखेंगे और उनसे संतुष्ट भी यश में रहेंगे। दोस्तों ये जो समय है कार्य क्षेत्र के लिए समय बहुत ही उत्तम रहेगा। इस दौरान आप मन लगाकर अपने कार्यों को पूरा करेंगे, आप सही योजनाएं बनाएंगे और सही दिशा में आगे यश में अपना कदम बढ़ाएंगे। उनमें सफल भी आप यश में हो सकते हैं, केवल आप इसमें प्रयास जारी रखें। वह दोस्तों इन दिनों में आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो आपके प्यार के रिश्ते में एक जादुई एहसास छा रहा है। इसकी खूबसूरती आप यश में जो है महसूस कर सकते हैं। संभव है कि आध्यात्मिकता की ओर जो है तीव्र खिंचाव महसूस होगा। साथ ही दोस्तों मुमकिन है कि यह जो समय है किसी योग जो है कैंप में जाना पड़ सकता है, किसी धर्मगुरु के प्रवचन सुनने के योग बन रहे हैं या फिर कोई आध्यात्मिक आप पुस्तक यश में पढ़ सकते हैं। दोस्तों यह जो है समय है अनावश्यक रूप से किसी पर आप अधिकार जमाने का प्रयास बिल्कुल ना करें। इससे जो है आपके रिश्ते पर इनका असर पड़ सकता है और आपका रिश्ता यश में टूट सकता है। तो दोस्तों इनका आप यश में खास ध्यान रखें। वही दोस्तों यश में आपकी हेल्थ को लेकर बात करें तो ये जो समय है आपके लिए दिन है कंधों में तकलीफ या फिर दर्द हो सकता है। दोस्तों इन दिनों में संतान के स्वास्थ्य की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। दोस्तों यश में आपका जो है भाग्यशाली रंग रहेगा आसमानी और भाग्यशाली अंक रहेगा 9। वही दोस्तों यश में ऑफिस में आपकी सृजनात्मकता की खूब प्रशंसा होगी और आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगा। आप अपने श्रेष्ठ प्रयत्नों द्वारा काम करेंगे परंतु आपका जो मूड है यश में बारंबार परिवर्तित होता रहेगा। परिणाम स्वरूप गुस्से के कारण आपकी जो है पूर्णता के द्वार पर पहुँचता हुआ काम बिगड़ सकता है। यानी दोस्तों काम पर आप पहुंचते पहुंचते इसमें आपका काम खराब हो सकता है। इसलिए दोस्तों इसमें आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, अपने वाणी पर जो है इसमें संयम रखें। एनर्जी भी आपको इसमें दिलो दिमाग को काबू में रखने की सलाह देते हैं। वही दोस्तों इसमें आपकी धन को लेकर बात करें तो आप भाग्य पर निर्भर होंगे क्योंकि अन्य लोग आपके कार्यों को पूरा करने के लिए जो है प्रयासों को पहचान नहीं पाएंगे। गणेश जी कहते हैं कि भाग्य पर भरोसा नहीं करें क्योंकि कर्म आपके भाग्य को प्रभावित करता है। अपने ऊपर भरोसा रखने से आप निश्चित रूप से लंबे समय तक सकारात्मक परिणाम प्राप्त करेंगे। गणेश जी प्रेरित करते हुए कहते हैं। वही दोस्तों यश में आपकी पारिवारिक जीवन की बात करें तो अपने प्यार को व्यक्त करने के ख्याल से ही आपका दिल तेजी से धड़कने लगेगा। आप उसे अपनों तोहफा द्वारा गदगद कर सकते हैं। दोस्तों यह समय आप पहले अपने पीर की चाहतों को जानें। यदि आप उसके साथ एक जो है दीर्घकालिक प्रतिबद्धता बनाना चाहते हैं तो दोस्तों ये जो समय है आप अपनी जो है साथी का पसंद या फिर नापसंद का ख्याल रखें। गणेश जी ऐसा कहते हैं। वही दोस्तों ये समय आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर बात करें तो भाग्य आपके वित्तीय मामलों पर भाग्यशाली रहेगा। खर्चों के प्रति आपका जो सकारात्मक दृष्टिकोण आपको सही निर्णय लेने में यह समय मदद करेगा। यह समय आप कुछ भी खरीदने या फिर बेचने के लिए छानबीन करेंगे। वही दोस्तों यह समय आप अपने प्रयासों के जरिए वांछित परिणाम भी प्राप्त करने के लिए तत्पर रहेंगे। भाग्य की देवी आप पर मेहरबान है। दोस्तों आपका मूड एक ऊंचा जो है स्विंग लेगा और स्वास्थ्य यश में ठीक रहेगा। वही दोस्तों यश में आधिकारिक और मन बहलाने वाली मनोरंजक यात्राएँ आपके लिए सुखद और उपयोगी साबित होंगी। दोस्तों इन दिनों में आप सकारात्मक रूप आपके लिए जो है आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करेगा। यह समय बोलते समय और वित्तीय लेन देन करते समय आप सावधानी बरतें, ये इसकी जरूरत होगी। दोस्तों यह समय आपके दोस्त या फिर सहयोगी कोई बढ़िया योजना बनाकर आपके इन दिनों को खुशनुमा कर देगा। यह समय आप कोई दिल टूटने से बचा सकते हैं। दोस्तों कामकाज के मोर्चे पर आपकी जो है कड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी। दोस्तों यह समय साफ गोई से अपने मन की बात कहने से आप न घबराएं। वही दोस्तों ये दिन आपके जीवन में वसंत काल की तरह है, रोमांचक और फिर प्यार से भरा रहेगा। दोस्तों जहां सिर्फ आप और आपका जीवन साथी का साथ होगा। वही दोस्तों ये जो समय है आप पीले चावल बनाकर गरीबों को बांटने से जो है आपकी इसमें आर्थिक स्थिति है या फिर पहले समय आपकी आर्थिक स्थिति जो थी उनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो दोस्तों इन उपायों को आप जरूर करें। पीले चावल बनाकर जो है गरीबों में बांटें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि यश में आपको कौन से उपायों को करना चाहिए। दोस्तों यश में काली हल्दी को सिंदूर व फिर धूप देकर कुछ सिक्कों के साथ लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रख दें।
दोस्तों इनसे धन लाभ होता रहेगा और धन की जो समस्याएं आपके जीवन काल में चलती रहती है लगातार दोस्तों वो खत्म होंगे। शादी घर के मुख्य द्वार पर रोज सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। देवी महालक्ष्मी के चित्र या फिर प्रतिमा पर रोज केसर के तिल लगाएं। इस उपाय से सालों पुरानी आपकी जो भी गरीबी है खत्म नहीं हो रही है दोस्तों वे सभी खत्म होंगे। जीवन काल में आपको खुशियां मिलेंगी, माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, साथ ही और ऐसी अधिक जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, आपका समय शुभ रहे।